तो लोकसभा चुनाव से पहले हुआ लोकार्पण और शिलान्यास, जयपुर में विकास कार्यों की सौगात दी गई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया है ये उद्घाटन। झाबर सिंह खर्रा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बीटू बाईपास, अंडरपास, झोटवाड़ा, आरओबी का उद्घाटन किया गया। मानसरोवर से 200 फीट चौराहे तक मेट्रो विस्तार किया जाएगा। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची थी सौगात देने के लिए, लोकार्पण करने के लिए, और उनके साथ झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र सिंह शेखावत मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें काम रुख करना चाहेंगे। वीरेंद्र, इंतज़ार किया जा रहा था डिप्टी सीएम दिया कुमारी का, कब वो आएंगी और ये बड़ी सौगात, तीन महत्वपूर्ण सौगात जो कि दी जाने वाली थी, उसका लोकार्पण करेंगे। इंतज़ार खत्म हो गया? बिल्कुल, देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान की जो सबसे बड़ी विधानसभा कही जाती है झोटवाड़ा, वहाँ की जो जनता है पिछले 7 साल से लगातार मांग कर रही थी कि इस जो ओवर ब्रिज है इसका निर्माण होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती थी तो एम्बुलेंस के अंदर जो पेशेंट को जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। वजह ये थी कि यहाँ पर ट्रैफिक जो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता था। उसी के जो निराकरण के लिए इस पुल का निर्माण करवाया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगभग पूरे राजधानी के अंदर तीन जो परियोजनाएं उनकी जो कीमत है वो लगभग 366 करोड़ बताई जा रही है। इसके अंदर B2 बाईपास का जो पुल का निर्माण है, वहीं ये जो ROB जो पुल बनाया गया है राव शेखा जी के नाम से, इसके जो निर्माण कार्य है। इसके अलावा लगभग 44 करोड़ रुपये का जो कीमत का जो तोरण द्वार जवाहर सर्किल पर बनाया गया, यानी तीन जो ये परियोजनाएं हैं इनका शिलान्यास यहाँ से किया गया है। मेरे साथ यहाँ की झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता भी है, उनसे भी मैं जानूंगा कि अब ये पुल बन चुका है क्या कहना है, क्या राय है, क्योंकि जो नज़दीक से इन्होंने जो देखी है जो ट्रैफिक की समस्या, यानी घर से बाहर निकलते हो तो आपको एक चौमू पुलिया जो सर्किल है वहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगती है, यानी जो अमूमन जो समय लगता है 5 से 4 मिनट का लगता है, लेकिन ट्रैफिक के चलते उन्हें 15 से 20 मिनट लगता था और इसके चलते कई पेशेंट्स की जान भी जाती थी। अब कहीं ना कहीं उन जो मौतों की जो वजह है वो अब खत्म हो चुकी है ट्रैफिक के कारण। और अब मैं यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करूँगा, मैम यहाँ पे काफी समय से ट्रैफिक की समस्या चल रही थी, क्या कहेंगे क्योंकि अब सौगात दे दी है? बहुत अच्छा किया दिया कुमारी जी ने इसका लोकार्पण किया, और सभी जनता बहुत परेशान थी कि यहाँ से और वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पेशेंट होते थे, वो दम अपना तोड़ देते थे पहुँचने से पहले ही। लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती थी, स्कूलेज कॉलेजेस में भी एग्ज़ाम्स बच्चों के छूट जाया करते थे। सभी को बहुत आराम मिलेगा, सभी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल, और ऐसा ही काम। बिल्कुल, देखिए जो विकास के कार्य हैं वो लगातार निरंतर हैं, वो जारी है। मैं आपसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 7 साल का इंतज़ार काफ़ी लंबा होता है। दो सरकारें जिसमें पहला जो इसकी नींव रखी गई थी वो वसुंधरा जी के कार्यकाल में रखी गई, अशोक गहलोत जी आते हैं इसका आधा निर्माण होता है और उसके बीच में शिलान्यास करके चले जाते हैं, वो भी चुनाव के समय। अब तीसरी सरकार आती है भजनलाल सरकार, वो 3 महीने के अंदर इसका शिलान्यास करती है और जो वादे किए गए हैं उनको परिपूर्ण कर रही है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ और 10 साल से मैं यहाँ का व्यापारी भी हूँ, मेरी दुकान भी इस पुल के नीचे टूटी है और काफ़ी समस्याओं का समाधान करने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हो चुका था लेकिन वो भी अभी तक नहीं बना है, और यहाँ से जाने में 2-2 घंटे 3-3 घंटे का जाम लगा रहता था। कई बार हम यहाँ से किसी को पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं या किसी तरह की कोई बात होती, कई बार रास्ते में ही उसका दम टूट गया। कई चीज़ें हुई यहाँ पे, अब बहुत खुशी की बात है कि ये चालू हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भजनलाल जी को। तो राजस्थान वासियों को 3 महत्वपूर्ण सौगात मिली है, और बात करें खास तौर पर झोटवाड़ा वासियों की तो यहाँ रेल ओवरब्रिज की सौगात दी गई डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से, और रिएक्शन लगातार वीरेंद्र ले रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह और खुशी नजर आ रही है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का रिएक्शन सामने आया, जरा वो भी आप सुनिए। मैंने बताया बहुत अच्छा काम हुआ है, जो जनता की डिमांड थी उसको देखते हुए इसका रास्ता निकाला गया कि कैसे हम लोग जनता को राहत दें, और 2% डीजल एंड 2% पेट्रोल में जो कमी की गई है बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, प्राइसेस डाउन होंगी, महंगाई कम होगी।
मैम।